पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि चीनी के बहरान पर इंक्वायरी रिपोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान की गुड गवर्नेंस का भांडा फोड़ दिया। इमरान खान की एटीएम मशीनें ही मुलविस निकली। तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी का कहना है कि रिपोर्ट में विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को चीनी के बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है। नैयर बुखारी ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान की एटीएम मशीनों को चीनी के बहरान का जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम ने कहा था कि किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा, अब ये वादा पूरा करने का उनके लिए सुनहरी मौका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि इमरान खान कानून का यकसा नफाज और एक ही मयार का दावा करते आए हैं और उन्होंने रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी, लेकिन क्या इससे आगे भी कुछ होगा या ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? इसी सवाल का जवाब भी वजीर आजम इमरान खान और नैब का इम्तिहान है।